गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग आज हनी सकल का जो चैप्टर 4 है, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, इसको रीड करेंगे और समझेंगे। इसकी पीडीएफ मैंने सबको दे दी थी, सबको रीड करने के लिए भी कहा था। आई होप आप सबने पढ़ा होगा। आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी रीड इट, आइए देखते हैं छोटे से इंसिडेंट के बारे में जो कि हुआ हमारे देश से जुड़ा हुआ है। ओके, इन 1997, आई थिंक जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, ओके, तब की बात है ये। एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, कल्पना चावला नाम की एक लेडी थी, ठीक है, जो इंडियन अमेरिकन, मतलब वो उनके रूट्स जो थे वो इंडिया के थे, पर वो अमेरिका में पली बड़ी थी। ओके, वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल। वो एक क्रू, क्रू क्या होता है बच्चों? क्रू इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो जाते हैं एक स्पेशल मिशन के लिए। ओके, उन्हें हम क्रू कहते हैं, जो पूरा स्टाफ होता है उसे हम क्रू कहते हैं, ठीक है। सो कल्पना चावला जो थी वो एक क्रू मेंबर थी। कि कौन सा क्रू, कौन सा मिशन था उनके पास? उनके पास कोलंबिया से एक मिशन था जिसमें कि वो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्पेस शटल था, जो स्पेस क्राफ्ट था, उसके थ्रू वो जाने वाली थी स्पेस में, अक्रॉस द स्पेस, ठीक है, टू फाइंड द लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, ठीक है। जो हमारे मिशन्स होते हैं, नासा बेसिकली कंडक्ट कराते हैं, या हमारे यहाँ इसरो कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक मिशन पर कल्पना चावला, जो हमारे लिए इंडिया की थी, वो गई थी, ठीक है। सो बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू बॉर्न इन इंडिया एंड टू गो इन टू स्पेस, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, वो भारत की पहली महिला थी जो कि स्पेस पे गई थी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। आप सभी इस बात को ध्यान रखेंगे कि कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू गो इन टू द स्पेस। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलम्बिया एंडेड इन ट्रेजिडी। और बहुत ही दुख की बात बताना पड़ रहा है आपको कि जो उनका फर्स्ट मिशन तो सक्सेसफुल था, जब वो अपने सेकेंड मिशन के लिए गई स्पेस में, तो लौटते वक्त वाई लैंडिंग तो उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया वहाँ पे ग्राउंड से, और फिर उनका जो भी स्पेस क्राफ्ट था वो क्रैश हो गया, एंड शी डाइड ऑन बोर्ड, ठीक है, और उनकी फिर वहाँ पर डेथ हो गई थी कोलम्बिया में। सो ये तो शॉर्ट में है, मैं आपको बता दिया कल्पना के बारे में। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस लेडी की और क्या क्या स्टोरी है। उससे पहले यहाँ देखें, ये बॉक्स में कुछ टास्क दिए हुए हैं, ये टास्क आपको करने हैं बच्चों, ठीक है। जस्ट पे अटेंशन टूवर्ड्स इट, यू हैव टू डू दिस। द वेरी फर्स्ट इज सेइंग, आपके समझने के लिए है, ठीक है। अ स्पेस शटल इज़ अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फ्रॉम रिपीटेड स्पेस फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल, अनलाइक रॉकेट, ठीक है। देखो, स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट पे क्या डिफरेंस है? जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें आप बार बार आ जा सकते हैं, मतलब इफ़ आप स्पेस क्राफ्ट में आप बैठते हैं, ओके, और आप स्पेस जाते हैं, फिर आप स्पेस से वापस उस स्पेस क्राफ्ट में वापस आ सकते हैं, मतलब इट्स लाइक अ व्हीकल, आपकी गाड़ी है जो कि आपको यहाँ से स्पेस ले जाती है और स्पेस से वापस ले जाती है। आप उसमें रीफ्यूल करके, आप दोबारा से उसमें फ्यूल डला के आप वापस से स्पेस जा सकते हैं और वापस से वापस आ सकते हैं। बट रॉकेट जो होता है वो वन टाइम यूज़ होता है बच्चों। रॉकेट सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ से ऊपर स्पेस में वी ब्लास्ट इट ऑफ, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ रॉकेट को स्पेस में भेज देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, यहाँ से स्पेस तक जाने में रॉकेट के कई सारे पीसेस हो जाते हैं, ठीक है, और मैं इसका एक वीडियो के थ्रू आपको हेल्प कर दूँगी समझने में। डिस्कवरी पे भी काफ़ी टाइम दिखता है, बट आई विल शेयर अ वीडियो जिसमें आप समझ पाएँ द होल प्रोसेस ऑफ दिस रॉकेट लॉन्चिंग। ओके, रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो रॉकेट वापस नहीं आता है बच्चों। रॉकेट सिर्फ वन टाइम, वो सिर्फ स्पेस में सैटेलाइट्स या कुछ सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो रॉकेट वन टाइम यूज़ होता है, और स्पेस क्राफ्ट वी कैन यूज़ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। नाउ सी, सेकंड कह रहा है यूज़ अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। अब आपके पास, सभी के पास एक डिक्शनरी तो होगी ही, जिनके पास अगर इनकेस डिक्शनरी नहीं है तो वो गूगल की हेल्प से मीनिंग सर्च कर सकते हैं। हमें कुछ मीनिंग्स वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनके हमें मीनिंग्स ढूंढने हैं। पहला वर्ड है हमारा नेचुरलाइज्ड, ठीक है, सेकंड हमारा है स्पेस, थर्ड है हमारा फ्रॉन्टियर्स, फ्रॉन्टियर्स बेसिस, और डी है अबोर्ड, एंड ई लिफ्ट ऑफ, एंड एफ क्रू। यू ऑल विल टेक द मीनिंग्स ऑफ दिस। आप कहीं ना कहीं से यू हैव टू सर्च फॉर देयर मीनिंग्स, और आपको ये लिखने हैं, ओके। थर्ड कह रहा है, नॉट थर्ड बट अ पार्ट ऑफ सेकेंड ओनली, ठीक है। अब आप देखिए, जो आपकी स्पेलिंग्स यहाँ पर मेंशन है, ये आपकी रेगुलर स्पेलिंग से डिफरेंट है।
बच्चों देखो, इंग्लिश दो तरह की होती है, एक होती है अमेरिकन इंग्लिश, एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश। हम जो पढ़ते हैं उसे ब्रिटिश इंग्लिश कहा जाता है, ओके। सिंस ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करके गए तो हम उन्हीं का सब कुछ फॉलो करते हैं, ठीक है, स्टिल इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। अमेरिकन की इंग्लिश अलग है, उनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं, ओके। जैसे कि हम सपोज हम लिखते हैं कलर्स, ठीक है, हम ब्रिटिश, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिखें, सॉरी आई शुड गेट इट ऑफ इट, ओके, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिखें, ओके, सो वी विल राइट कलर COLOUR, इजेंट इट, ये हमारा कलर हो जाता है, रंग। बट अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे कलर COLOR, ठीक। ये मतलब दोनों का सेम ही है, बस स्पेलिंग्स का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बट वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, ओके। अमेरिकन इंग्लिश हम नहीं फॉलो करते हैं, ठीक। ये आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी था। आगे आ जाते हैं, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंदी है बच्चों, तो मैं इसके मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगी, ओके। तो हम इसको धीरे धीरे करके पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ही समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे समझने के लिए। सबसे पहले हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट दे रखी है इस फ्रंट पेज पे, आप देख सकते हैं, ट्रेजेडी इन स्पेस, US स्पेस शटल कोलम्बिया ब्रेक्स इंटू फ्लेम्स, ठीक है। ट्रेजेडी, बहुत दुखद घटना हुई स्पेस में, अंतरिक्ष में। US का जो स्पेस शटल था कोलम्बिया, वो टूट गया और उसमें आग लग गई, ठीक है, ये उसमें आग लग गई, इस वजह से वो क्रैश हो गया, ओके। तो ये हेडिंग है। इसके बाद वी हैव द न्यूज़, न्यूज़ में कह रहा है, लेट मी जूम इट फॉर यू ताकि आपको बेटर विजिबल हो, ओके, हियर इट इज़, ओके। इन एन अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, US स्पेस शटल कोलम्बिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, ओके। एस्ट्रोनॉट आपको पता है क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, और कल्पना चावला के साथ साथ 6 लोग और थे जो उस स्पेस शटल में देवर सिटिंग, ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। तो जब ये टेक्सास के पास, जब ये स्पेस शटल लौटता हुआ, जब ये टेक्सास के पास पहुंचा, तो टेक्सास एक प्लेस है बच्चों, आप इसे ज़रूर मैप पर देखें और इसे मार्क करें, वर्ल्ड मैप में आप देखें इसे, ओके। सो वहाँ पर टेक्सास है, टेक्सास तक जब ये जो स्पेस शटल था, जब ये लौट रहा था, तो टेक्सास के पास पहुँचते पहुँचते ये इट लैंडिंग, फिर उसने कनेक्शन, ग्राउंड से कनेक्शन उसका टूट गया, और उस वजह से कि उस ये ब्रेक हो गया और ये फ्रैक्चर हो गया और फिर इसमें आग लग गई, और इस वजह से ऑल 7, जितने भी 7 लोग इसमें बैठे थे, इंक्लूडिंग कल्पना चावला और 6 और लोग, दे ऑल डाइड ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड मतलब बैठे बैठे ऑन दैट वेरी स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, दे ऑल डाइड, सबके सबकी डेथ हो गई। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। नासा जो है, वी नो दैट, ये आप इसका फुल फॉर्म पता करेंगे बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ओके। नासा के बारे में आप पता करेंगे कि वॉट इज़ इट, वॉट इज इट्स फुल फॉर्म क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अबाउट 9 AM, सुबह 9 बजे के आसपास इसका कनेक्शन ग्राउंड से टूट गया। इट वॉज़ फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट, सोचो इतनी ऊंचाई से इट फेल, 2 लाख फीट की ऊंचाई से वो जो स्पेस क्राफ्ट था, दैट ब्रोक एंड वॉज इन टू फ्लेम्स, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी थी, इट वॉज एट 20,000 किलोमीटर्स पर आवर, हर 1 घंटे में 20,000 किलोमीटर्स की स्पीड से वो चल रहा था। वेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जबकि शटल से जो है ग्राउंड का कंट्रोल लॉस्ट हो गया, वो चलता तो ऊपर है, बस उसे कंट्रोल तो ग्राउंड से ही किया जाता है स्पेस क्राफ्ट को, ठीक है। कोलम्बिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 को ये जो कोलम्बिया नाम का जो हमारा स्पेस क्राफ्ट था, ये ऊपर भेजा गया था, और 1 फरवरी को जब ये रिटर्न हो रहा था, 15-16 दिन के बाद जब ये रिटर्न हो रहा था, सो ये क्रैश हो गया था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा से इसको छोड़ा गया था, ये जो स्पेस क्राफ्ट था, इट वॉज, इसको ब्लास्ट ऑफ किया गया था, इसको छोड़ा गया था फ्लोरिडा के पास से। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, ये लगभग 16 दिन तक स्पेस में था, एंड 7 मेंबर का जो क्रू था, उन्होंने ऊपर लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लगभग 80 एक्सपेरिमेंट ऊपर, परीक्षण ऊपर ऊपर स्पेस में किए थे। बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, नीचे आने से पहले, जब ये सारे एक्सपेरिमेंट ऊपर ख़त्म करने के बाद, फिर ये
नीचे अर्थ के तरफ ये आ रहे थे, विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना में ख़त्म हुआ। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट, तो कोलम्बिया का ये 28वां चक्कर था स्पेस जाने का, जो कोलम्बिया नाम का जो स्पेस क्राफ्ट था, ये 28वां चक्कर ये अपना पूरा करके अर्थ पे आ रहा था। जबकि जब इसको बनाया गया था तो कहा गया था कि ये लगभग 100 चक्कर लगा सकता है, यहाँ से अंतरिक्ष तक और अंतरिक्ष से वापस अर्थ तक। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज़ रिपोर्ट थी। आइए आगे पढ़ते हैं हम कल्पना चावला के बारे में, दैट व्हाट वाज शी, फ्रॉम वेयर वाज शी, एंड व्हाट वाज हर पर्सनैलिटी। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रॉन्टियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला जो थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो करनाल नाम की जो जगह है, करनाल कहाँ है बच्चों, करनाल हरियाणा में है। ओके, हरियाणा की हमारी ये थी। ओके, सो एज अ चाइल्ड इन करनाल शी वुड क्रॉस द फ्रॉन्टियर्स ऑफ स्पेस, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो करनाल की एक छोटी सी जगह से वो स्पेस का जो अंत है, स्पेस के आगे तक, मतलब स्पेस की सीमाओं को तोड़ते हुए भी वो आगे बढ़ पाएंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। वो तो इतना ही सोच पा रही थी, तो इतना सोच के ही खुश थी कि कम से कम उनके पेरेंट्स ने उनको आगे पढ़ने दिया, उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए मौका मिला। शी वॉज हैप्पी विद दैट ओनली, बट शी हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ कि वो कभी अंतरिक्ष के पार भी जा पाएंगी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूएसए। ओके, सो उनके पापा ने थोड़ा सा उनकी पढ़ाई को अपोज किया था, जब उन्होंने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली, जब वो ग्रेजुएट हो गई। ओके, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है बच्चों? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब जो हम स्पेस क्राफ्ट या जो हम स्पेस में जाने के लिए जो हम इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, मेनली जो डील करती है स्पेस के व्हीकल, जैसे कि हमारा एरोप्लेन हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, स्पेस क्राफ्ट हुआ, रॉकेट्स हुआ। ओके, इन सब के बारे में जब हम फ्यूचर में 12th के बाद जब आप पढ़ेंगे, ओके, जो बच्चे ये स्ट्रीम चूज़ करेंगे, तो उस इंजीनियरिंग को हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो उनके पापा को नहीं पसंद था, वो नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़े, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट अपने पापा से प्लीज़ करके एंड हाउस एवर उन्होंने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई किया अमेरिका में। शी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके बाद इन्होंने PhD भी करी। ओके, और डॉक्टरेट कहते हैं इसको। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनवरल फ्लोरिडा। ओके, ये पहली वुमेन थी जिनको कि फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया गया था एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और ये हमारी भारत से ये पहली ही महिला थी जिन्होंने किसी भी सफल परीक्षण में स्पेस में पार्टिसिपेट किया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनरी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलम्बिया लिफ्ट ऑफ। उनका पूरा परिवार वहाँ पे उनको टेक ऑफ करते समय उनको सी ऑफ कर रहा था, उनको देख रहा था व्हाइल शी वॉज टेकिंग ऑफ, जब वो स्पेस में जा रही थी तो उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर थी, प्रेजेंट थी उनको बाय करने के लिए। कहाँ पे प्रेजेंट थी बच्चों? फ्लोरिडा में, जहाँ से उनका स्पेस शटल हवा में उड़ा था। ठीक है, ओके। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना जो थी वो करनाल नाम की जगह पर हरियाणा में पैदा हुई थी, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीज़न, पर फिर उनको US का सिटीज़न बना दिया गया था। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। क्यों बना दिया गया था US का सिटीज़न? सिटीजनशिप पाना आसान नहीं होता है बच्चों, आपको किसी भी देश की नागरिकता नहीं मिल पाती है, उनके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो उसका रूल है, उसका रूल ये है कि आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी पेरेंट्स इंडियन हो, तो आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं, वो ऑलरेडी इंडिया में पले पड़े हैं, इसलिए आप भी इंडियन हैं। अगर आप अमेरिका जाते हैं तो आप अमेरिकन नहीं कहलाएंगे, आपको अमेरिका में अगर अमेरिकन कहलाना है, अगर आपको वहाँ का नागरिक बनना है, तो आपको कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो सिमिलरली कल्पना थी तो इंडियन, बट उन्होंने एक अमेरिकन से शादी कर ली थी, इसलिए उनको वहाँ का सिटीज़न बना दिया गया था। ठीक है, वहाँ का नागरिक बना दिया गया था। शादी किससे की थी इन्होंने?
इनकी शादी हुई थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से, जो फ्लाइट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनसे इनकी शादी हुई थी। उनका नाम था जेन पेरे हैरिसन। ओके, बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी एजन लैंड एयरप्लेन्स। ओके, वो एक एस्ट्रोनॉट तो थी ही, एक अंतरिक्ष यात्री तो थी ही, बट एक यात्री होने के साथ साथ उनको इस बात की भी लाइसेंस दी गई थी, उनको इस बात की भी अथॉरिटी दी गई थी कि वो एयरप्लेन्स चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, एयरप्लेन्स हम लोग क्या बोलते हैं, एरोप्लेन्स। ब्रिटिश इंग्लिश में हम एरोप्लेन्स बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसे एयरप्लेन कहा जाता है। ठीक है, बात एक ही है लेकिन स्पेलिंग्स का एरर रहता है बस। ठीक है, सो शी वॉज लाइसेंस्ड, उनको उनको वो एक इंजन वाला हो या कई इंजन वाला हो, ऐसे एयरप्लेन्स हो चलाने के लिए उनको पूरी पूरी छूट दी गई थी। छूट क्या मतलब, उनको राइट दिया गया था, उनको सिखाया गया था, एंड शी वॉज एलिजिबल इनफ कि वो इन सब सारी चीज़ों को वो शी कैन फ्लाई। ओके, इसके अलावा वो क्या चलाती थी, वो सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स भी चलाती थी। सी प्लेन्स क्या होते हैं बच्चों, सी प्लेन्स जो कि समुद्र के ऊपर दूरी तय करते हैं उन्हें हम सी प्लेन्स कहते हैं। ऐसे एरोप्लेन्स तो लैंड टू लैंड जाते हैं, बट अगर सी के ऊपर हमें जाना होता है तो हम सी प्लेन्स ड्राइव करते हैं। ये बेसिकली जो हमारा आर्मी होती है कि उसके मिशंस के लिए भी होते हैं। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो भी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जो भी प्लेन्स को उड़ाता है उन्हें हम पायलट कहते हैं। ठीक, तो वो एक पायलट होने के बाद ये सब कुछ, कल्पना बिगैन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। ठीक है, उसके बाद जब वो उनको सब कुछ मिल गया, उनको इंजीनियरिंग कर ली, उन्होंने पीएचडी कर ली, उन्होंने फ्लाइट्स उड़ाने के लिए उनको लाइसेंस मिल गया, ठीक है, ये सब करने के बाद, ठीक है, अब वो एक फुल फ्लेज्ड पायलट बन चुकी थी, बहुत अच्छी पायलट बन चुकी थी, हर तरह के प्लेन्स उड़ा लेती थी। ठीक है, नाउ अब कल्पना को लाइफ में कुछ नया चैलेंज चाहिए था। कल्पना ने कहा ये सब तो हो गया, अब मुझे कुछ और बड़ा करना है, और इस उम्मीद में उन्होंने अप्लाई टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, उन्होंने इस स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। बेटा स्पेस शटल प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे रैंडमली कोई भी जा कर के नहीं कह सकता कि मैम मुझे स्पेस जाना है मुझे पहुंचा दो, नहीं, आप उसके लिए फुल क्वालिफाइड होने चाहिए, आपके पास सारे कुछ गुण होने चाहिए जो एक स्पेस शटल में रहने के लिए आपको चाहिए। सो उन्होंने अप्लाई किया कि आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस मिशन, मैं इस स्पेस मिशन में जाना चाहती हूँ। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, पहले तो उनको नौकरी पर रखा गया था, क्या किस पोस्ट पर, एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर, ठीक है, एक साइंटिस्ट के तौर पर उन्हें नासा में रखा गया। और इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको सेलेक्ट किया गया कि अब इनको एस्ट्रोनॉट कैसे बनते हैं इसके लिए इनको ट्रेन किया जाए। ठीक है, व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड, जब उनसे पूछा गया कि आपको इस फील्ड में, जो आप एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में आप आई हैं, इस फील्ड में एक वुमेन के तौर पर आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री, आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। जब उनसे पूछा गया कि इस फील्ड में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल्स होते हैं सारे अंतरिक्ष यात्री, वहाँ पर एक वुमेन के तौर पर अंतरिक्ष यात्री बनना आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने बहुत सिंपली जवाब दिया, कहा कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं एक औरत हूँ, मैंने खुद को कभी भी एक पुरुष से अलग नहीं समझा। ओके, जब मैं पढ़ रही थी या मैं कुछ भी कर रही थी, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ या मैं एक छोटी शहर से आई हूँ या मैं किसी दूसरे देश से आई हूँ। मैंने हमेशा अपनी आँखों में अपने सपने देखे, अपने सपने रखे और मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और मेरे आसपास जो लोग थे वो लोग किस्मत से मेरा हमेशा साथ देते आए, उन्होंने हमेशा मुझसे यही कहा कि अगर तुम ये करना चाहती हो तो कैरी ऑन, तो तुम करती रहो। ओके बच्चों, यहाँ तक हमने फोर्थ पारा तक वी हैव कम्प्लीटेड, आप इसको दोबारा से रीड करेंगे और इसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
कि आप बेचा आप नासा के बारे में पता करके मुझे बताएंगे, एक नोट लिखेंगे, नासा का फुल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या काम करता है, ये नासा के बारे में आप पता करेंगे। और इसके साथ ही ये जो आपको फर्स्ट पेज पर आपको थोड़ा सा ये दिया गया है, यू हैव टू फाइंड आउट देयर इट्स मीनिंग्स, ये मीनिंग्स आप पता करके देन यू विल शो इट टू मी। ओके, तो दिस इज़ योर टास्क फॉर टुडे, ये आप आज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिफ्थ पैरा से कंटिन्यू करेंगे। जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर वंस अगेन, जितना भी मैंने पढ़ाया है उतने पैरा को आप दोबारा पढ़ें, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें। बच्चों वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं और आपके क्लासेस बढ़ रहे हैं, आपकी इंग्लिश का लेवल भी हाई जा रहा है, आपकी बुक भी धीरे धीरे थोड़ी सी टफ होती चली जाएंगी, तो आपका वर्ड पावर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितने भी वर्ड मीनिंग्स आप ग्रैप कर सकें आप करें, आप उसकी मीनिंग्स नोट करें, आप उनको लर्न करें। अगर आपकी वर्ड मीनिंग्स वीक रहेंगी बच्चों तो आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे? अगर आप किसी लैंग्वेज के वर्ड्स को ही नहीं समझेंगे तो आप कैसे उसे बोल पाएंगे? जैसे अब मैं आपको बोल दूं कि अब आप तेलुगु में बात करिए तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसके वर्ड्स नहीं पता है। सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है, क्योंकि अब आपकी सारी बुक्स फ़िलहाल अभी इंग्लिश में है, सो बेटा वर्ड्स मीनिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप मेरी बात को थोड़ा सा सीरियसली लें, वर्ड मीनिंग्स पे जोर दें। मैं आपको रोज़ कहती हूँ, हर चैप्टर में कहती हूँ कि वर्ड मीनिंग ढूंढें, लिखें, नहीं समझ में आए मुझसे पूछें। हार्डली एनी बडी, कोई बच्चा बहुत मुश्किल से ही कोई बच्चे मुझसे मीनिंग्स पूछते हैं, अदरवाइज़ कोई बच्चे मुझसे मीनिंग्स नहीं पूछते हैं। अगर आप खुद लिखते हैं कॉपी में तो मुझे दिखाएं, और अगर नहीं लिखते हैं तो प्लीज़ उसको लिखना स्टार्ट करें। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिले, ये बहुत अच्छी स्टोरी है और ये एक रियल स्टोरी है। ओके, इट्स नॉट अ स्टोरी इवन, कल्पना चावला वॉज अ लेजेंड। ओके, सो उनके बारे में जानना, उनसे कुछ सीखना, दिस विल मेक आर लाइफ्स मच बेटर। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही, तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास।